फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे हैं तो अच्छे बने रहिएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि YouTube शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन आप कैसे अपने सब्सक्राइबर्स को भेज सकते हैं। मान लीजिए आपके YouTube चैनल पे 1K सब्सक्राइबर है, तो कैसे आप YouTube शॉर्ट्स बनाकर 1K सब्सक्राइबर्स तक नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। YouTube शॉर्ट्स अगर आप बनाते हो तो वो सबके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि आप 1 मिनट 2 मिनट या उसके बाद जितना भी मिनट का वीडियो बनाओ तो सबका वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है, लेकिन YouTube शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन नहीं जाता है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं कि इस ट्रिक को अगर आप यूज करते हो तो आप YouTube शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन सभी के पास भेज सकते हैं। मतलब कि आपका 1000 सब्सक्राइबर है तो 1000 सब्सक्राइबर्स तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वो कैसे हो सकता है, कैसे नहीं, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। एंड YouTube शॉर्ट्स बना के अब तो अच्छा खासा आप अर्निंग भी कर सकते हो। एंड Instagram रील्स, TikTok पहले चलता था, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा बात है। एंड Instagram रील्स में जिनका भी वीडियो वायरल होता है अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अब YouTube शॉर्ट्स भी बनाकर वायरल होकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सो इस वीडियो पे बने रहिए। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाले कि ऐसा ट्रिक के बारे में जिस ट्रिक से आप अपनी YouTube शॉर्ट्स को अपलोड जैसे करते हो वो सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा। एंड नोटिफिकेशन जाएगा तो इस पे आपको व्यूज भी आएगा एंड उसके साथ बहुत ही आपके चैनल को रिच एंड ग्रो मिलेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ भी टाइटल लिख देता हूँ, जैसे कि सबटेक्स 7 ही लिखा हूँ। ठीक है, ये जैसे ही मैं अपना चैनल का नाम लिखता हूँ एंड उसके बाद इसको मैं प्राइवेट नहीं रखता हूँ। अब देखिए, आप जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन वगैरह करते हो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह सब चीज़ दे दीजिएगा। जिस चीज़ का आपका शॉर्ट्स नहीं है वो तो मेरे को यहाँ पे नहीं पता, बट आप जो भी शॉर्ट्स बनाओगे यहाँ पे टाइटल, थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन जैसे देते हो दे दीजिएगा। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि नोटिफिकेशन कैसे जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं स्किप कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन को। तो सबसे पहले इस प्राइवेट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। प्राइवेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, इस अनलिस्टेड पे अपलोड करना है। तो अनलिस्टेड पे अपलोड हो जाने दे देते हैं। सो गाइस, जैसे देख सकते हैं कि ये वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है। ठीक है, एंड इसको मैं अनलिस्टेड पे अपलोड किया हूँ। तो इसको किस तरीका से अपलोड करना होगा, किस ऐप का मदद लेना होगा, तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है YT स्टूडियो, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइस, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि ये मैं YT स्टूडियो पे आ चुका है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सबटेक्स में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब गाइस देखिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको इसके ऊपर पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको ये पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अनलिस्टेड पहले से ही चुना हुआ आ रहा है। तो आपको किस तरीके से ट्रिक को आजमाना है, उस तरीके से नोटिफिकेशन को भेज सकते हैं। सो सबसे पहले आपको ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं शेड्यूल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइमिंग वगैरह दे देना है, कुछ जिस टाइम पे अपलोड करना है। एंड सिंपली यहाँ पे अपडेट वोट सब चीज़ है, यहाँ पे आप देख के दे दीजिएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको इस तरीके से क्लिक करना है। कुछ भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यही ट्रिक है। उसके बाद आपको सेटस प्रीमियर पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको बैक होके यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर देते हो आपका शेड्यूल होगा, जैसे कि कोई भी लाइव आने से पहले जो होता है 30, 29 इस तरीके का होता है ना, तो इस तरीके से होते होते आपका ये जो है सबके पास ये नोटिफिकेशन चला जाएगा एंड आपका शॉर्ट सभी देख पाएगा जो लोग आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो गाइस, आपको ये वीडियो अगर पसंद आता होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को बोले बिना सब्सक्राइब करिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।